Dear students, as we have discussed here, the preparations of alkyl halides from alkanes. In another heading, we have discussed here halogenation of alkane or free radical mechanism of the halogenation of alkanes. मैंने पहले ही कहा कि this very topic is also in the syllabus of 11th class and also in case of 12th class there is the preparation of haloalkanes or alkyl halides में वहां पे alkanes से हम उनकी alkyl halides की preparation करा सकते हैं जब हम alkanes को halogenes के साथ treat कराएंगे. In the topic first जो हमने यहां पे lecture first discuss किया regarding preparations of alkyl halides जो 12th के हैं वो इसी तरह से इस टॉपिक को देख लेंगे. प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम हैलोएल्केन्स जो 11th में बच्चे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन जो हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वहां पे जब हम एल्केन्स डिस्कस कर लेंगे. नाउ रिगार्डिंग दिस वेरी टॉपिक देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स. जो टॉपिक फर्स्ट था वहां पे मैंने सिर्फ एक तो CH4 ले लिया प्लस इसके साथ क्लोरीन को ट्रीट कराया और मैंने कहा व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्मड. आप लोगों ने देख लिया होगा. उसके बाद CH3 एंड CH3 मीन्स इथेन को मैंने क्लोरीन के साथ ट्रीट कराया और मैंने कहा कि देर आर डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड. वहां पे मैंने दिखाया किस तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और किस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहां पे फॉर्मेशन हो जाती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स की. नाउ डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहां पे हम क्लोरीन को एल्केन को चेंज कर लेंगे. अगर हमने फॉर एग्जाम्पल यहां पे मीथेन था यहां पे इथेन है. सपोज मेरे पास अब प्रोपेन है. मैंने प्रोपेन ले लिया और उसकी क्लोरीनेशन कराई है. शाबाश CH3 CH2 एंड CH3. मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल Cl2 के साथ ट्रीट कराया. शाबाश इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जिस तरह से वहां पे मैकेनिज्म था उसी तरह से यहां पे भी मैकेनिज्म है. इनिशिएशन स्टेप प्रोपगेशन के दो स्टेप आफ्टर दैट टर्मिनेशन. लेकिन डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट जो इनिशिएशन स्टेप होगा आप लोगों को अब पता है कि सनलाइट इस पे पड़ जाएगी और इसको फ्री रेडिकल्स में चेंज कर लेगी. लेकिन जो प्रोपगेशन स्टेप होगा वहां पे किस जब ये एल्केन जो प्रोपेन है देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स इन दिस वेरी केस इन केस ऑफ मीथेन सिंबलर टाइप के हाइड्रोजन थे. इन केस ऑफ इथेन CH3 हाइड्रोजन एटम्स वेयर सिमिलर एज वेल एज कार्बन एटम्स वेयर सिमिलर. यहां पे क्या है यहां पे ये कार्बन एटम एंड ये कार्बन एटम. दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम. दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम. मीन्स ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है और दिस वेरी मिडल जो कार्बन एटम है दिस इज सेकेंडरी. मीन्स डियर स्टूडेंट्स यहां पे दो तरह के कार्बन एटम्स है. नाउ जो प्रोपगेशन सेटअप होगा जो आप लोगों ने प्रोपगेशन सेटअप में देख लिया वहां पे एल्केन का रेडिकल बन जाता है. एल्केन का रेडिकल बन जाता है जब सीएल रेडिकल जो इनिशिएशन सेटअप में वहां पे देख लीजिए बेटा मैंने कहा था मैं यहां पे थोड़ा बहुत लिखूंगा आई सेटअप इनिशिएशन सेटअप ClCl यहां पे जब एच न्यू मीन्स सनलाइट यहां पे सीएल रेडिकल. अब मेरे पास प्रोपेन है मीन्स CH3 CH2 CH3 प्लस सीएल रेडिकल. ये प्रोपोगेशन सेटअप का फर्स्ट सेटअप होगा. शाबाश ये सीएल रेडिकल है. अब सीएल रेडिकल ने किस पे अटैक करना है प्रोपेन पे. लेकिन प्रोपेन में दो तरह के कार्बन एटम है मीन्स दो तरह के हाइड्रोजन एटम भी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. यहां पे ये या तो प्राइमरी का हाइड्रोजन एटम को ये रिप्लेस कर लेगा मीन्स यहां से बाहर निकालेगा. अगर इसने प्राइमरी यहां पे इस वाले कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम के रेडिकल को बाहर निकाला मीन्स यहां पे HCl ये रेडिकल और हाइड्रोजन का रेडिकल यहां पे रेडिकल मीन्स यहां पे प्राइमरी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है.
एफ रेडिकल मैंने लिखा यहां पे फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये तब इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी जब अगर सीएल ने किस पे अटैक किया, कार्बन, शाबाश, प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन एटम पे अटैक किया, शाबाश। अगर ये भी पॉसिबिलिटी है, सीएल रेडिकल यहां से हाइड्रोजन को निकाल सकता है, आर मैं यहां पे लिखूंगा CH3CH रेडिकल CH3 प्लस HCl, ये भी यहां पे पॉसिबिलिटी है, मींस यहां पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टू नॉट को फ्री रेडिकल मींस सेकेंडरी फ्री रेडिकल, वन नॉट फ्री रेडिकल मींस प्राइमरी फ्री रेडिकल। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ क्लोरीनेशन और हेलोजिनेशन ऑफ प्रोपेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, वन इज प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड अनदर इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, शाबाश, अगर ये किसी भी बुक पे आप लोगों ने ये रिएक्शन देखी होगी, वहां पे उसने दिखाया होगा, बुक्स पे लिखा होगा CH3CH यहां पे Cl और CH3CH2CH2Cl। शाबाश बेटा, प्रोपिगेशन का ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में ये रेडिकल किसके साथ, क्लोरीन को अटैक कर लेगा, जो मैंने वहां पे मैकेनिज्म दिखाया है, एल्केन, इनके साथ प्रोपिगेशन स्टेप सेकंड। ये एल्केन का रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर लेगा, उसका क्लोरीन रेडिकल ले लेगा और यहां पे अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, वहां पे देखा गया है दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। एज यू नो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, मीन्स जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल से अल्काइल हैलाइड होगा वो मेजर क्वांटिटी में होगा, और प्राइमरी फ्री रेडिकल से जो अल्काइल हैलाइड वहां पे उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी वो माइनर क्वांटिटी में होगा। एंड इट हैज बीन फाउंड दैट दिस इज 55% एंड दिस इज 45%। रिमेंबर दैट इस वाली रिएक्शन में जब एक प्रोपेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू क्लोरोप्रोपेन एंड वन क्लोरोप्रोपेन। टू क्लोरोप्रोपेन इज फॉर्मड फ्रॉम मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, व्हाइल एज वन क्लोरोप्रोपेन इज फॉर्मड फ्रॉम लेस स्टेबल फ्री रेडिकल, दैट इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। शाबाश, यहां पे दो तरह के प्रोडक्ट्स। नाउ यहां पे आप लोगों ने देख लिया कि मेजर प्रोडक्ट, शाबाश, विद रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल यहां पे उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ एक और रिएक्शन में विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन, यहां पे मैं लिखूंगा CH3 CH, यहां पे CH3 एंड CH3। देख लीजिए बेटा, मैं यहां पे क्लोरीन के साथ इसको ट्रीट करा लूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो ही आप लोगों ने देख लिया कि मेजर प्रोडक्ट, यहां पे भी दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, बिकॉज टू दो तरह के यहां पे कार्बन एटम है। जितने यहां पे कार्बन एटम होंगे इन केस ऑफ प्रोपेन दिस इज टू मिथाइल प्रोपेन, है यहां पे दिस इज वन नॉट कार्बन एटम, दिस इज वन नॉट एंड दिस इज प्राइमरी एंड प्राइमरी। ये कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से जुड़ा है, दैट मीन्स टर्शियरी। यहां पे इस वाले एग्जांपल में हमें दो तरह के कार्बन एटम है, प्राइमरी एंड टर्शियरी, यहां पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे भी दो तरह के फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक तो हो जाएगा प्राइमरी, एक तो हो जाएगा टर्शियरी। आप लोग हमें आप लोग कहोगे अगर ये एग्जाम में होगा तो आप लोगों ने जब ये एग्जाम्पल देखी तो आप लोग कहोगे शाबाश CCl CH3 CH3 प्लस, ये तो आप वो कहोगे ये मेजर CH3 CH CH2 Cl एंड CH3, आप लोग कहोगे ये माइनर क्वांटिटी में है। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पे प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टर्शियरी फ्री रेडिकल मेजर क्वांटिटी में नहीं बन पाता है. इट हैज बीन फाउंड दैट दिस इज माइनर एंड दिस इज मेजर. This is minor and this is major. Mind, dear students. हाँ, शाबाश. Now इसका मैं reason बता लूँगा. हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि reason क्या है, किस तरह से आप product predict कर लोगे जब आप एक alkane को chlorine के साथ treat कराओगे, एक alkane को fluorine के साथ treat कराओगे, एक एल्केन को bromine के साथ treat कराओगे, एक alkane को iodine के साथ treat कराओगे. लेक्चर फर्स्ट में हमने सिर्फ इतना देख लिया हाउ वी आर इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड्स. यहां पे भी हम एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन कराते हैं, यहां पे भी हम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन कराते हैं, यहां पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोगों को दिखाना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में और कितनी परसेंटेज में, और कौन सा प्रोडक्ट माइनर क्वांटिटी में, मीन उसकी परसेंटेज क्या है. विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज आप लोग दिखा पाओगे कि कौन मेजर कौन माइनर. शाबाश. यहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीनेशन, ये माइनर ये मेजर. अब हम परसेंटेज में भी देख लेंगे कि विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीनेशन कौन मेजर क्वांटिटी में. हाँ, शाबाश. इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए. शाबाश डियर स्टूडेंट्स. नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एफ टू सी एल टू बी आर टू एंड आई टू, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर एफ इज ग्रेटर देन सी एल, सी एल इज ग्रेटर देन बी आर, बी आर इज ग्रेटर देन आई. दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर. Means, अगर हम किसी एल्केन को फ्लोरीन के साथ ट्रीट कराएंगे, क्लोरीन के साथ ट्रीट कराएंगे, ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराएंगे या आयोडीन के साथ ट्रीट कराएंगे, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है विद रेस्पेक्ट टू शाबाश हैलोजिनेशन ऑफ एन एल्केन, ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन. रीजन क्या है देख लीजिए डियर स्टूडेंट. एक्चुअली यहां पे सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल होगा, एफ सिंगल बॉन्ड एफ होगा. जब हम लविसदार स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो हेलोजन्स होते हैं, इनके लास्ट शेल में एक्चुअली देयर आर सेवन इलेक्ट्रॉन्स. जब ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यहां पे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्री लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज वाई देख लीजिए बेटा, यहां पे क्या है, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में जब कोवलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन फ्लोरीन का साइज बहुत कम है, साइज इज लेस. दैट इज व्हाई जब ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, देयर विल बी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, देयर विल बी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. दैट इज व्हाई डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जो एफ एंड एफ के बीच में, फ्लोरीन के बीच में, फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में, फ्लोरीन एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन. इसीलिए हम एफ टू का जो का एफ टू की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्लोरीन से कम है. एंड आफ्टर दैट ऑर्डर इज दिस बी आर टू एंड आई टू. सबसे दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर, अमाउंट ऑफ एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट वेरी कोवलेंट बॉन्ड. फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो कम होगी, हालांकि होनी चाहिए ज्यादा एज कंपेयर टू क्लोरीन, लेकिन साइज कम है, ये अकोमोडेट इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर पाता है. दैट इज वाई देर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बट मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन बी आर टू एंड आई टू. ये याद रख लीजिए. हाँ, शाबाश. रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोगों ने देख लिया, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर है. शाबाश. एक्चुअली यहां पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वाई अगर हम एल्केन्स, फॉर एग्जाम्पल मीथेन और इथेन को आप छोड़ दीजिए, वो एक अलग मैकेनिज्म है,
यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, लेकिन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर फार्मर। अगर हमने एक एल्केन को ले लिया जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह के कार्बन एटम्स है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, अब आप लोग पहचान सकते हो कि प्राइमरी कौन कार्बन एटम होता है, सेकेंडरी कौन होता है, टर्शियरी कौन होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट एक और कंसेप्ट, मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, ये याद रख लीजिए, अभी मैं समझाऊंगा। मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, लेस रिएक्टिव मोर सिलेक्टिव, सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी कंसेप्ट। हाँ, सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी कंसेप्ट में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम सिलेक्टिव होता है, जो कम रिएक्टिव होता है वो ज्यादा सिलेक्टिव होता है। देख लीजिए, यहां पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर हमने CH3 को किसके साथ ट्रीट कराया था, Cl2 के साथ, देख लीजिए डियर स्टूडेंट, तब कौन कौन सा प्रोडक्ट हमें फॉर्म हो गया था, ज्यादा मेजर क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट हमें, उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई थी जब हमने देख लिया कौन सा स्टेबल फ्री रेडिकल, विद रेस्पेक्ट टू स्टेबल फ्री रेडिकल, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी, हाँ कि यहाँ पे भी प्राइमरी कार्बन, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी, मीन्स ये CH3 CH2 CH Cl एंड CH3 प्लस यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl, ये माइनर और ये मेजर जब हमने क्लोरीनेशन कराई। लेकिन अगर इसी रिएक्टेंट की, इसी सबस्ट्रेट की, व्हाट वी कैन से, क्लोरीनेशन हम कराएंगे, याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट, मैंने कहा मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम सिलेक्टिव होता है। यहां पे क्लोरीन, क्लोरीन से कम रिएक्टिव है लेकिन सिलेक्टिव ज्यादा है। क्लोरीन ने सिलेक्ट किया किसको, सेकेंडरी फ्री रेडिकल को, यहां पे इस एग्जांपल में, यहां पे एक एग्जांपल की मैं डिस्कस, सेकेंडरी फ्री रेडिकल को सिलेक्ट किया क्योंकि वहां पे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती थी, लेकिन फ्लोरीन उतना ज्यादा सिलेक्टिव नहीं है। ये आंख बंद करके कहता है मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, मैं डायरेक्ट उसी कार्बन पे जाऊंगा जहां पे, शाबाश, उसी कार्बन पे अटैक करता है जहां पे उसकी स्टेबिलिटी, शाबाश, जो कार्बन एटम कम स्टेबल होता है, मीन्स यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2F मेजर प्रोडक्ट, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे 55 45, लेकिन ये ज्यादा क्वांटिटी में बुक्स में नहीं, दूसरा प्रोडक्ट नहीं दिखाया गया है, मीन्स यहाँ पे ये CH3 CH F CH3 माइनर, लेकिन ये देखा गया है ये बहुत कम क्वांटिटी में इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। एक सेकंड, हाँ, नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि अगर किसी भी एल्केन की आप फ्लोरिनेशन कराओगे, वहां पे मेजर प्रोडक्ट वही मेजर प्रोडक्ट होता है जिसका फ्री रेडिकल कम स्टेबल होगा, मीन्स विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी, क्योंकि हमारे पास फ्री रेडिकल को तो तीन तरह के ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अगर फ्लोरिनेशन हो गई तो प्राइमरी फ्री रेडिकल से जो प्रोडक्ट हमें, हमारा बन जाएगा, वही ज्यादा मेजर क्वांटिटी में होगा, बस इतना याद रख लीजिए, शाबाश। आफ्टर दैट क्लोरिनेशन मैंने इस प्रोपेन की कराई, मैंने बाद में दिखाया आप लोगों को, मैंने ले लिया ये 2-chloro-2-methyl propane ले, उसके बाद लिया था, ये एक्चुअली प्रोपेन है, मैंने बाद में कहा था डियर स्टूडेंट, देख लीजिए ये कंसेप्ट आप याद रख लीजिए, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम सिलेक्टिव होता है। फ्लोरिनेशन किसी भी की भी करा लीजिए यहां पे। नाउ देख लीजिए बेटा, CH3 CH, यहां पे CH3 एंड CH3, प्लस F2, यहां पे देख लीजिए ये प्राइमरी,
ये वन नॉट, ये वन नॉट, दिस इज वन नॉट एंड दिस इज थ्री नॉट। शाबाश। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा आपका? सी एच थ्री सी एच, यहां पे सी एच थ्री एंड सी एच टू एफ, ये मेजर होगा, ये मेजर होगा, क्योंकि यहां पे प्राइमरी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास, अगर हमारे पास क्लोरीन की मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे दी, मैंने कहा शाबाश इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये याद रख लीजिए, जो ज्यादा रिएक्टिव वो कम सिलेक्टिव, फ्लोरिनेशन हाँ विद रेस्पेक्ट टू लेस स्टेबल फ्री रेडिकल मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे सी एफ की प्रोडक्ट, सी एफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बहुत कम क्वांटिटी में होती है। शाबाश। यहाँ पे मैंने आप लोगों को फ्लोरिनेशन का और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया, मैंने कहा सी एच थ्री सी एच थ्री प्लस सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाँ ये तो पता ही है सनलाइट की, एट दैट वेरी टाइम मैंने कहा सी, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे सी एच थ्री, प्लस यहाँ पे एक और प्रोडक्ट सी सी एच थ्री, यहाँ पे एच और सी एच टू सी एल, ये ही मैंने कहा था मेजर। अब उसके बाद मैंने कहा था यही माइनर, हालांकि यहाँ पे कौन सा मेजर होगा, ये यहाँ पे शाबाश क्लोरिनेशन में यही मेजर है, लेकिन इससे पहले की जो एग्जाम्पल मैंने कही थी यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री प्लस सी एल टू, लेकिन यहाँ पे इन दिस वेरी एग्जाम्पल द मेजर प्रोडक्ट इज विद रेस्पेक्ट टू लेस स्टेबल फ्री रेडिकल, यहाँ पे द मेजर प्रोडक्ट इज विद रेस्पेक्ट टू मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। अब आपको, अब आप लोग किस तरह से ये याद रखोगे, किस तरह से आप इन केस ऑफ क्लोरिनेशन, इन केस ऑफ मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर लोगे और विद रेस्पेक्ट टू मेजर प्रोडक्ट परसेंटेज भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो एट दैट वेरी टाइम इन एग्जाम्पल विद रेस्पेक्ट टू फ्लोरिनेशन। बस इतना याद रख लीजिए, मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, ये उसी कार्बन पे जाएगा जहां पे जिसका फ्री रेडिकल कम स्टेबल होगा, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू क्लोरिनेशन आपको वो याद नहीं रखना है। बस ये दो एग्जाम्पल मैंने दे दी, अब आपको करना क्या है देख लीजिए, वहां पे आप लोगों को देखना है सिलेक्टिविटी रेशियो, सिलेक्टिविटी रेशियो, सिलेक्टिविटी रेशियो थ्री नॉट टू नॉट एंड वन नॉट। सिलेक्टिविटी रेशियो में थ्री नॉट का फाइव, टू नॉट का 3.8 एंड वन, ये आप लोगों को याद रखना है। शाबाश। सिलेक्टिविटी रेशियो इन केस ऑफ क्लोरीन, यहां पे मैं लिखूंगा इन केस क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन की मैंने कहा, फ्लोरीन का मैंने कहा प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कीजिए, बस मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव प्राइमरी पे ही ज्यादा। हाँ शाबाश। अब हमें क्या देखना है, शाबाश बेटा देख लीजिए इन केस ऑफ Cl2। अब मैं एग्जांपल लूंगा यही CH3 CH2 CH3, इसकी मैं क्लोरीनेशन कराऊंगा। अब मेरे पास दो प्रोडक्ट्स की शाबाश पॉसिबिलिटी है, एक तो ये इसका फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल, उसके फ्री रेडिकल पे क्लोरीन भी जा सकता है, यहाँ पे ये CH3 CH2 CH2 Cl, एक ये प्रोडक्ट, दूसरा ये पॉसिबिलिटी है CH3 CH Cl एंड CH3। शाबाश। आप रिएक्टेंट से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कितने प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के कार्बन एटम हैं। हाँ शाबाश, जितने तरह के कार्बन एटम होंगे उतने प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। शाबाश। नाउ सिलेक्टिविटी रेशियो क्या है, टर्शरी का क्या है, सेकेंडरी का क्या है, प्राइमरी, यहाँ पे टर्शरी नहीं है। नाउ उसके बाद सिलेक्टिविटी रेशियो के बाद हमें क्या देखना है, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन ऑफ, अगर टर्शरी होगा तो थ्री नॉट, यहां पे टर्शरी नहीं है, मैं लिखूंगा पहले वन नॉट, हाँ पहले मैं लिखूंगा वन नॉट। शाबाश। इट इज इक्वल टू, कितने वन नॉट पे कितने हाइड्रोजन एटम है, मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, एक तो यहां पे तीन है, एक तो यहां पे तीन है, कितने हो गए सिक्स, मल्टीप्लाइड बाय सिलेक्टिविटी रेशियो इनका क्या है वन, इट इज इक्वल टू सिक्स। शाबाश। नाउ प्रपोर्शन ऑफ टू नॉट, कितने टू नॉट है, शाबाश, एक ही कार्बन एटम सेकेंडरी है, इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम है, दो, टू,
मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शनल सिलेक्टिविटी रेशियो में सेकेंडरी का क्या होता है 3.8, दैट इज 7.6। टोटल प्रोपोर्शन क्या है 7.6 प्लस 6, इट इज 13.6। शाबाश। नाउ सिलेक्टिविटी रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑफ वन नॉट एंड टू नॉट इन दिस वेरी एग्जांपल। नाउ यहां पे मैं लिखूंगा परसेंटेज। सिलेक्टिविटी रेशियो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रख लीजिए 3 नॉट 2 नॉट 1 नॉट, इनके सब क्लोरीन 5, 3.8 एंड 1, परसेंटेज ऑफ 1 नॉट। तब आप जब आप परसेंटेज निकालोगे वो डायरेक्टली बताओगे ये कितने, ये मेजर या ये माइनर है। शाबाश, कौन सा मेजर कौन सा माइनर। परसेंटेज ऑफ 1 नॉट हाउ मेनी, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ 1 नॉट, 6 डिवाइड बाय टोटल प्रोपोर्शन क्या है 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका देख लीजिए ये आ गया शाबाश 45%। आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर देख सकते हो परसेंटेज ऑफ 2 नॉट, इट इज इक्वल टू 7.6 डिवाइड बाय 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज ऑलमोस्ट 55%। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरी वाली एग्जांपल क्लोरीनेशन की हम यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद थर्ड एग्जांपल भी देख लेंगे, उसके बाद ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन मैं दिखाऊंगा। फ्लोरिनेशन का तो मैंने कहा कि यहाँ कहीं पे भी फ्लोरिनेशन होगी जो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उसी का प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में होगा। बस शाबाश, आप लोगों ने अब देख लिया ये सिलेक्टिविटी रेशियो क्या है, किस तरह से हम करते हैं इनके सब क्लोरीन, ऑनली इनके सब क्लोरीन। शाबाश, 3, 2, 1, वहां पे 5, 3.8 एंड 1। प्रोपोर्शन ऑफ 1 नॉट किस तरह से करते हैं, शाबाश, फिर से मैं रिपीट कर लूंगा। प्राइमरी कार्बन एटम में जो प्राइमरी कार्बन एटम है इसके मीन्स प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, कितने हैं 3 प्लस 3, 6 मल्टीप्लाइड बाई इसका सिलेक्टिविटी रेशियो में रेशियो क्या है 1, आ गया 6। अब प्रोपोर्शन ऑफ 2 नॉट कितने सेकेंडरी है 2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोपोर्शनलिटी सिलेक्टिविटी रेशियो 3.8 दैट इज 7.6। टोटल प्रोपोर्शन क्या है 13.6। परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे 1 नॉट का प्रोपोर्शन डिवाइड बाई टोटल प्रोपोर्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। शाबाश, उसी तरह से सेकेंडरी का। नाउ और एक एग्जांपल क्लोरीनेशन की, इसका 55 ये 55 शाबाश, सेकेंडरी विद रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी कार्बन एटम 55 विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी कार्बन एटम 45। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स और एग्जांपल CH3, CH, यहां पे CH3 एंड यहां पे CH3 प्लस Cl2। शाबाश, दो तरह के कार्बन एटम हैं, 1, 1 नॉट एंड 1 नॉट, यहां पे 3 नॉट है सेकेंडरी नहीं है। शाबाश, यहां पे दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे CH3, CH, CH3, CH2, Cl प्लस CH3, CCl, CH3 एंड CH। अब मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है ये हमें अभी तक पता नहीं है। शाबाश, अभी मैंने बताया चलो ये मेजर आता है ये माइनर आता है, मैं यहां दिखाऊंगा आप लोगों को। सिलेक्टिविटी रेशियो तो पता ही है, अब 3, 2, 1 उसका क्या है 3 नॉट का 5 है, 2 नॉट का 3.8 है, 1 नॉट का 1 है। नाउ प्रपोर्शन, प्रपोर्शन ऑफ यहां पे कितने तरह के हैं कार्बन एटम 2 1 नॉट इज इक्वल टू हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्राइमरी हाइड्रोजन 1, 1 एंड 1। तीन तरह के कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन एटम हैं 9। सिलेक्टिविटी रेशियो में क्या है 1 दैट इज 9। प्रोपोर्शन ऑफ 3 नॉट दैट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 5। टोटल प्रपोर्शन क्या है 14। टोटल प्रपोर्शन क्या है 14। परसेंटेज ऑफ 1 नॉट दैट इज इक्वल टू शाबाश 9 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 100। शाबाश, 2, 3 नॉट का क्या है परसेंटेज, इट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 100। निकाल लीजिए 9 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 100 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। शाबाश, एक सेकंड,
9 divided by 14 multiplied by 100. It is, shabash dear students, shabash, it is 64%. शाबाश, ये 64% है। अब यहां पे ये देख लेंगे, 5 5 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 35%। हाँ, ये 64 या 64 पॉइंट समथिंग था ये, ऑलमोस्ट, शाबाश, या ये 34% है, 64 एंड 34, या यहां पे मैंने देख लिया 35, ये 64 पॉइंट समथिंग, मींस ये मेजर क्वांटिटी में, ये माइनर क्वांटिटी। अब शाबाश, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिविटी रेशियो यू आर इन ए पोजीशन टू प्रिडिक्ट इन केस ऑफ क्लोरीनेशन कौन सा प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में, कौन सा प्रोडक्ट माइनर क्वांटिटी में। हाँ, इन केस ऑफ मीथेन, इन केस ऑफ इथेन, वहां पे कोई मतलब सिलेक्टिविटी रेशियो हम अप्लाई नहीं करते हैं, वहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, प्रोपेन सबस्टिट्यूटेड प्रोपेन या ब्यूटेन सबस्टिट्यूटेड ब्यूटेन, शाबाश, वहां पे देख लीजिए विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिविटी रेशियो ओनली इन केस ऑफ क्लोरीन, ओनली इन केस ऑफ क्लोरीन। यहां पे मैं और एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, शाबाश, यही एग्जाम्स, यही इसी तरह से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कौन सा प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में, कौन सा प्रोडक्ट माइनर क्वांटिटी में, ये आप किस तरह से आप प्रेडिक्ट कर लोगे, सिलेक्टिविटी रेशियो से, सिलेक्टिविटी रेशियो आफ्टर दैट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन के बाद परसेंटेज, परसेंटेज में आप लोग हर एक कार्बन एटम, मीन्स यहाँ पे पहले देखना है ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बन एटम किससे कहते हैं, जो सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा होगा, ये सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। यहाँ पे तीन तरह के हाइड्रोजन कार्बन एटम्स हैं, तीन तरह के हाइड्रोजन एटम्स भी होंगे, शाबाश। सिलेक्टिविटी रेशियो आफ्टर दैट प्रपोर्शन, 1-0 का देख लीजिए कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि सिलेक्टिविटी रेशियो में इसका 1 है, आ गया 9। उसके बाद सेकेंडरी का देख लीजिए कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम है, 2 + 2 = 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.8, शाबाश। उसके बाद टर्शियरी 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, टोटल प्रपोर्शन रेशियो ले लीजिए और हर एक का परसेंटेज निकाल लीजिए जो प्रपोर्शन में आ गया है, डिवाइड बाई टोटल प्रपोर्शन मल्टीप्लाइड बाई 100, एट दैट टाइम यू विल बी इन ए पोजिशन टू कैलकुलेट द परसेंटेज। जो ज्यादा परसेंटेज में आएगा वही मेजर क्वांटिटी में है, बट ओनली इन केस ऑफ क्लोरीन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट, शाबाश, क्लोरीन का और क्लोरीन का मैंने आप लोगों को बताया, क्लोरीन क्लोरीन का डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर इसकी फ्लोरिनेशन, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में, CH2F, अगर यहाँ पे F2 होगा, हाँ, बाकी कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर क्वांटिटी में नहीं होगा, हाँ, शाबाश, इन केस ऑफ फ्लोरिनेशन। हाँ, वो उस फ्री रेडिकल पे अटैक कर लेगा मैकेनिज्म में जिसकी सेलेबिलिटी कम होती है, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है, लेकिन क्लोरीन इससे ज्यादा सिलेक्टिव है विद रेस्पेक्ट टू Br2 एंड I2। रिमेंबर दैट दीज आर लेस रिएक्टिव, मोर सिलेक्टिव, लेस रिएक्टिव, मोर सिलेक्टिव। अगर मैंने यहां पे ले लिया CH3CH प्लस Br2 R I2 दोनों का एक ही मैकेनिज्म है, हालांकि Br2 का भी मैं सिलेक्टिविटी रेशियो आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये याद रख लीजिए Br2 एंड I2 ये कम रिएक्टिव है लेकिन ज्यादा सिलेक्टिव है। ये उस कार्बन एटम पे अटैक कर लेंगे जिसकी, उस फ्री रेडिकल पे अटैक कर लेंगे जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और विद रेस्पेक्ट टू दैट वेरी कार्बन एटम उसी का प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में होगा। मीन्स यहां पे CH3CBr, CH3
CH3 ये मेजर क्वांटिटी में होगा क्योंकि यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल जो होगा सी रेडिकल वो में मतलब ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा सिलेक्टिव है, ये उसी को सिलेक्ट कर लेंगे जिस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और ये CH3 CH CH3 CH2 Br क्या विद रेस्पेक्ट टू आयोडीन, अगर यहाँ पे आयोडीन तो यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, ये मेजर ये माइनर, रिमेंबर इट विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमिनेशन एंड आयोडिनेशन। जो कार्बन एटम जिस कार्बन एटम का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा उसी पे अटैक कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन। विद रेस्पेक्ट टू फ्लोरिनेशन जो कार्बन एटम का फ्री रेडिकल कम स्टेबल होगा उसी पे अटैक कर लेंगे और उसी का मेजर क्वांटिटी में प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन क्लोरिनेशन में सिलेक्टिविटी रेशियो पे हम डिटरमाइन कर लेंगे कौन मेजर कौन माइनर। शाबाश शाबाश बेटा। नाउ विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमिनेशन एंड आयोडिनेशन मोर सिलेक्टिव लेस रिएक्टिव, ये ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं, ये इंतजार करते हैं कहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन होता है और उसी पे अटैक कर लेंगे। शाबाश। नाउ देख लीजिए बेटा, बुक्स में दिखाया गया है विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमिनेशन सिलेक्टिविटी रेशियो Br, सिलेक्टिविटी रेशियो Br 2 3 0 2 0 और 1 0 का, 3 0 का 1600, 2 0 का 82 और 1 0 का 1। That is why, जब 3 0 का सिलेक्टिविटी रेशियो में ही 600 वैल्यू है, 2 0 का 82 और ये इसका बहुत कम, दैट इज वाई हम कहते हैं शाबाश विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमिनेशन भी जो टर्शियरी फ्री रेडिकल से प्रोडक्ट बन जाएगा वही ज्यादा मेजर क्वांटिटी में होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी। शाबाश, हम यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे, चलो हम इस पे अप्लाई कर लेंगे कि सिलेक्टिविटी रेशियो ऑफ Br2। हाँ शाबाश, सिलेक्टिविटी रेशियो तो हमने यहाँ पे देख लिया, प्रपोर्शन हम देख लेंगे। प्रपोर्शन यहाँ पे 1 0 है, ये भी 1 0 है, ये भी 1 0 है, ये भी 3, ये 3 0 है, 1 0। शाबाश बेटा, इज इक्वल टू कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 9। शाबाश, प्रपोर्शन ऑफ 3 0 इट इज इक्वल टू कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1600 दैट इज इक्वल टू 1600। परसेंटेज ऑफ 1 0 दैट इज 9 डिवाइड बाई 1609 टोटल प्रपोर्शन 1609 डिवाइड बाई 1609 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये देख लीजिए, इसका वैल्यू देख लीजिए। उसके बाद 3 0 का परसेंटेज ऑफ 3 0 इट इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 1609 मल्टीप्लाइड बाई 100। आप ये कैलकुलेट कीजिए, ये ऑलमोस्ट 99% आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट 1% आ जाएगा। That is why, because selectivity ratio में ही Br2 का जो value है, selective ratio वो 1600 है। हमेशा ये secondary या primary से ज्यादा आ जाता है, that is why ये major quantity में मतलब ज्यादा percentage में आ जाएगा और ये major quantity में मतलब ज्यादा percentage में 3 0 आ जाता है। हमेशा इनके साथ ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन में वहां पे जिस तरह से ब्रोमिनेशन का concept, हालांकि सिलेक्टिविटी रेशियो तो नहीं है, ये ज्यादा सिलेक्टिव, ये मोर सिलेक्टिव है क्योंकि आयोडीन हमेशा उसी कार्बन एटम पे अटैक कर लेगा, उसी कार्बन को सिलेक्ट कर देगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ शाबाश, दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी इन केस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, एल्केन्स तो मीथेन इथेन तो ही नहीं है, एल्केन्स प्रोपेन सबस्टिट्यूटेड प्रोपेन 2-chloroprop शाबाश, ब्यूटेन की सबस्टिट्यूशन मिथाइल कार्बन एटम पे कहीं पे मिथाइल ग्रुप होगा तो उसकी सबस्टिट्यूशन हो जाएगी, सबस्टिट्यूटेड मीथेन सबस्टिट्यूटेड व्हाट कैन से प्रोपेन सबस्टिट्यूटेड ब्यूटेन सबस्टिट्यूटेड पेंटेन एंड सो ऑन। वहां पे आप लोग, मैंने कहा बेटा प्रेडिक्ट किस तरह से कर लोगे, आपको देखना है पहले 1 0 कितने हैं, इनमें कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 0 कितने हैं, कितने हाइड्रोजन उनके हैं, 3 0 कौन सा है, उसके कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, ज्यादातर 3 0 तो ये तो पता है आप लोगों को, एक ही हाइड्रोजन एटम होता है। सिलेक्टिविटी प्रपोर्शन पहले करना है, उसके बाद शाबाश परसेंटेज में आप हमेशा देख लोगे कि कौन मेजर कौन माइनर।
इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन एंड इन केस ऑफ क्लोरिनेशन। ज्यादातर क्लोरिनेशन पे ही सिलेक्टिविटी रेशियो, ब्रोमिनेशन पे ज्यादातर सिर्फ मतलब टर्शियरी फ्री रेडिकल से ही मेजर क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद अगर ब्रोमिनेशन में टर्शियरी फ्री रेडिकल नहीं होगा, सेकंड टर्शियरी मतलब कार्बन एटम नहीं होगा, सेकेंडरी और प्राइमरी होगा एट दैट वेरी टाइम, सेकेंडरी ही मेजर क्वांटिटी में और प्राइमरी माइनर क्वांटिटी में। लेकिन रिवर्स इज द केस इन केस ऑफ क्लोरिनेशन, वहां पे प्राइमरी ही मेजर क्वांटिटी में और या सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा माइनर क्वांटिटी में, क्योंकि वो लेस सिलेक्टिव है मोर रिएक्टिव है। दैट इज ऑल अबाउट विद रेस्पेक्ट टू हैलोजिनेशन। नीट जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन सिलेक्टिविटी रेशियो पे ध्यान दे दीजिए। दैट इज ऑल फॉर दिस वेरी लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, खूब पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।